जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे शोल्डर एक्सरसाइज। फाइव बेस्ट एक्सरसाइज फॉर शोल्डर, पांच ऐसी एक्सरसाइज जो शोल्डर के लिए बेस्ट होगा। वैसे तो हर मसल्स के बहुत सारे एक्सरसाइज है और हर एक्सरसाइज में 15-15, 20-20 वेरिएशन है, लेकिन नहीं, अगर आप एक मसल एक वर्कआउट कर रहे हो, आप शोल्डर कर रहे हो, उस पर केवल 4 या 5 ही वेरिएशन लो, ठीक है ना। अगर आप 1.5 से 2 घंटा वर्कआउट कर रहे हो एक मसल्स पे, तो बहुत ही जल्दी बेनिफिट होगा, ज़्यादा वेरिएशन माने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, पहला वर्कआउट है हमारा बारबेल ओवरहेड प्रेस। ओके, देख सकते हैं आप, एक मॉडरेट वेट लगाना है आपको, बेसी हैवी वेट नहीं लगाना है। ये है हमारा बारबेल ओवरहेड प्रेस। कितनी दूरी पकड़नी है, जितनी हमारे शोल्डर है, ठीक है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा, 3 इंच बाहर की ओर, जितनी हमारे शोल्डर है 3 इंच बाहर की ओर, ठीक है, क्लोज नहीं, फिर पोस्चर खराब हो जाएगा। ओके, ये देखो मैंने पकड़ लिया, बारबेल ओवरहेड प्रेस के लिए मैं तैयार हूँ बिल्कुल। रेपिटेशन आपके अकॉर्डिंग रहेगा, 10 से 12, 1, 2, फुल रेंज ऑफ मोशन लेना है, हाफ नहीं। आपने वेट लगा लिया और हाफ मारेंगे, ऐसा नहीं, ये हाफ है, फुल रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। 3, 4, 5, 12, तो 12 का रेपिटेशन रहेगा, सेट रहेगा 3, रेस्ट टाइम रहेगा 30 से 40 सेकंड। ऑलराइट, तो पहला वर्कआउट था हमारा बारबेल ओवरहेड प्रेस। ओके, दूसरा वर्कआउट हमारा नेक बारबेल प्रेस। नेक बारबेल प्रेस में क्या करेंगे, हम पीछे लेंगे। ओके, ओवरहेड प्रेस में हमने सामने लिया, नेक बारबेल प्रेस में हम पीछे लेंगे गर्दन में। ऑलराइट, लाइट वेट लगाते हुए इस तरह मैंने बैठ गया, ठीक है, और ऊपर ले जाके पहले पहले इंश्योर करना है मुझे, नेक पे रखना है। ऑलराइट, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखनी है, ठीक है। अब इसे क्या ऊपर की ओर प्रेस करना है, ये ऊपर की ओर। इसमें देखने देखने वाली बात यह है, मैंने हैंड को चौड़ा किया है, देखो ग्रिप हमारी वाइल्ड है बिल्कुल। 1, हमारी जो नेक है मैं उसमें टच कर रहा हूँ बारबेल को, देख सकते हैं आप, पीछे आ करके मैंने टच कर रहा है, हमारी जो बारबेल है हमारी जो नेक को टच कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं नेक बारबेल प्रेस। रेंज ऑफ मोशन वही रहेगा आपका फुल, ठीक है, हाफ नहीं लेना है। प्रिपरेशन आपके अकॉर्डिंग रहेगा, 10 से 12, ये भी सेट रहेगा 3। ये बहुत ही इफेक्टिव वाले वर्कआउट है शोल्डर के लिए। ऑलराइट, ओके, रखने के लिए इसे डाउन करना है, आराम से इसे उठ जाना है। तो ये था हमारा नेक बारबेल प्रेस। ओके, नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा डंबल ओवरहेड प्रेस। वो था हमारा बारबेल से, अब हमारा है डंबल से, डंबल ओवरहेड प्रेस। ये बिल्कुल स्पाइन को सीधा रखते हुए, जो हमारी डंबल है कान के लाइन में रहेगा, ना टेढ़ा इस तरह टेढ़ा नहीं होगा, इधर भी टेढ़ा नहीं होगा, स्ट्रेट बैठना है, स्पाइन को सीधा रखना है। अब हमें ऊपर की ओर पुश करना है हैंड को, 1, वापस कान की लाइन में आके स्टॉप करना है, 2, देख सकते हैं आप बिल्कुल शोल्डर पे इफेक्टेबल हो रहा है, 3, रेपिटेशन वही रहेगा 10 से 12, फुल रेंज मोशन करते हुए, हाफ नहीं लेना है इस तरह, हाफ नहीं, आपने वेट लगा लिया और हाफ लगा रहे, वो नहीं, वो टाइम का वेस्टेज है, फुल रेंज ऑफ मोशन। ओके, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये ऑलराइट, रेपिटेशन 10 से 12 रहेगा, सेट हमारा 3 रहेगा। ये था हमारा डंबल ओवरहेड प्रेस। ओके, नेक्स्ट वर्कआउट हमारा अर्नोल्ड प्रेस। अर्नोल्ड प्रेस किस प्रकार मारेंगे, देख सकते हैं आप, मैंने डंबल को इंटरनली ग्रिप रखा, अंदर की ओर, बाहर नहीं, अंदर, इसे राउंड करते हुए ऊपर ले जाना है। ऑलराइट, राउंड करते हुए नीचे लाके होल्ड करना है, समझने वाली बात यहाँ पे ये है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये मैंने राउंड कर दिया ऊपर, राउंड करते हुए नीचे। अब इसी प्रक्रिया को हमें फास्ट करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन और फास्ट मूवमेंट में, 1, 2, नीचे लाके होल्ड करना है, अपने नेक को पुश करना है, निकालना है बाहर, 3, 4, 5, यहाँ पे आके होल्ड करनी है, फिर ऊपर क्रॉस करना है, पुश करो, 9, रेपिटेशन हमारा वही रहेगा 10 से 12, ये भी हमारा अर्नोल्ड प्रेस सेट 3 रहेगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा अर्नोल्ड प्रेस। ओके, नेक्स्ट पांचवा वर्कआउट हमारा डंबल बेंड ओवर रहो। ओके, डंबल बेंड ओवर, मेक श्योर आप एक चीज इंश्योर करेंगे, जो आपकी सीटेड है उसको चेंज कर देंगे आप, क्योंकि ये बहुत हाइट है, ये टेबल बहुत हाइट है। ओके, हम लेंगे एक
कम हाइट वाली बेंच, डंबल बेंड ओवर रो के लिए। ओके, सही पोस्चर मेंटेन करते हुए स्पाइन को आपने सीधा रख दिया और बेंच का जो लास्ट हिस्सा है वहाँ पे आके आपको बैठना है, उस जगह आके आप सीटेड हो जाओ। स्पाइन को सीधा रखो, डंबल आपने रख लिया, ठीक है, ये डंबल बेंड ओवर रो, ठीक है। हाथ को हल्का सा बेंड करना है अंदर की ओर, इंटरनली टेक्निक से, क्योंकि हमेशा टेक्निक यूज करना चाहिए, 90% पावर और 10% टेक्निक वर्कआउट में, तभी जल्दी मसल ग्रो करेगा। चेस्ट आपने निकाल लिया, ओके, ये हाथ को बेंड किया हल्का सा जैसा मैंने बताया। अब इसे क्या करना है, जो हमारी शोल्डर है हैंड को वहां तक लाना है, डंबल बेंड ओवर रो, बस शोल्डर की लाइन में हमारा फ्लाई होगा झुक करके। तो मैं शुरू करता हूं, डंबल बेंड ओवर रो, 1 2 3, ज्यादा वेट नहीं लेंगे आप, एक मॉडरेट वेट, जितना आप सह सको, जितना आप की आप जो क्षमता है वो ले सकते हो आप। 3 4, माथा आपकी डाउन रहेगा, माथा उठेगा नहीं, हो सकता है उठ सकता है, ये नहीं, ये गलत है, आपको बैंड रहना है। एक आपकी आपकी जो एक दोस्त है उसे रखेंगे साथ पीछे, उसे पुश करेगा फिट को, ये सही पोस्चर, रेडी, 1 2 3 4। ये वर्कआउट हमारा जो पीछे मसल्स है, पीछे का डंबल जो मार रहे हैं बेंड ओवर रो, जो हमारा बेंड ओवर रो, ये रियल डेड के लिए, तो पीछे पीछे का जो मसल्स है एक्चुअली वहाँ पे ये इफेक्टिव होता है, रियल डेड के लिए काम करते हैं डंबल बेंड ओवर रो, रियल डेड के लिए, क्योंकि हमें पीछे की मसल्स को भी ट्रेन करना होता है। ओके, रियल डेड के लिए डंबल बेंड ओवर रो, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था हमारा आखिरी डंबल बेंड ओवर रो, रियल डेड के लिए, पीछे वाले मसल्स के लिए। वीडियो पसंद आया तो थैंक यू।